हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराज़ी। अमूमन ये प्रोग्राम अफ्सा कमल साहबा करती हैं, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, तो लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़रज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज के शो में हम जिक्र करेंगे ऐवान बाला का, और सैनेट में 28 जनवरी को नाज़रीन वही कुछ हुआ जो इससे पहले दो बार ऐसा हो चुका है। गोया कि अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद ना तो चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकी, और जब वो दूसरी बार चेयरमैन सैनेट मुंतखब हो रहे थे तो उस बार भी अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद उनका रास्ता न रोक सकी। और 28 जनवरी को भी ऐसा हुआ, हुकूमत जिसने कौमी असम्बली से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंसूर कराया और उसके बाद उसे सैनेट के अंदर पेश किया गया, और इम्कान यही था कि सैनेट में अपोजिशन की अक्सरियत और वहाँ पर हुकूमत वक्त को शदीद मुश्किलात पेश आएंगी और ये बिल किसी सूरत भी मंजूर नहीं हो सकता। लेकिन हुआ फिर क्या कि अपोजिशन के 8 अरकान जिसके अंदर अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी शरीक हैं, इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे, और हुकूमत एक वोट की अक्सरियत से ये बिल बड़ी आसानी से मंजूर कराने में कामयाब हो गई, और इस पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरी कौम कहते हैं कि हैरान रह गई। नाज़रीन, इसके साथ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जहां यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया अदा किया, वहां पर उन्होंने मुतालबा किया कि यूसुफ गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब को अपने अहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि लगता ही है कि ये उनकी नाअहली से ऐसा मुमकिन हुआ कि अपोजिशन वहाँ पर अपना जो एक रोल है वो प्ले नहीं कर पाई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि पार्टीज़ के अंदर तब्दीलियों का एक सफ़र शुरू हो गया है और ये बड़ा मुस्बत और हौसला अफजा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ तबले जंग बचा चुके हैं, और 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च जो कराची से शुरू होगा और उसका रुख होगा इस्लामाबाद की जानिब, उनका रवैया बड़ा जारहाना है। गोया कि वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे, और बकौल उनके जो कठपुतली हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी है उसको पार्लिमान से बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन क्या वो जमात के जो इस वक्त बज़ाहिर लगता ये है कि हुकूमत को ऐवान बाले में अपना कंधा पेश कर रही है मुश्किलात को हल करने में, क्या वो इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे भी सही, और क्या हुकूमत को बाहर निकाल पाएंगे भी सही कि नहीं, इस पर गुफ्तगू करें। और हमारे साथ एक पैनल मौजूद है नाज़रीन, रुकन कौमी असम्बली अंदरी वबाद साहबा, आप तहरीक इंसाफ की रहनुमाएँ, आपका बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और थोड़ी देर में हमें रुकन कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अंदलीप साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। इनफैक्ट जिस अंदाज में ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराया गया सेनेट से, कहा यह जाता है कि हुकूमत ने कोई मुनासिब और पार्लिमानी तरीका अख्तियार नहीं किया, गोया कि रात के अंधेरे में सेनेट के एजेंडे में ये बिल का को डाल देना और उसके बाद अपोजिशन को मुनासिब वक्त न देना कि वो आएँ और अपने नुक्ता नज़र को या अपनी स्ट्रेटजी को डिफेंड कर पाएँ, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपको पता ही है कि ये अजीब एक यहाँ फिनोमेना है, मतलब इदारे अगर 70 साल से ताबे और ऑटोनॉमी नहीं दी गई और वो लॉन्डी बन के रहे हैं पहले इन फाइनेंस मिनिस्टर्स के। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने क्या किया, इसहाक डार साहब ने बिल्कुल ये एक मनोमन जो है अपनी मर्जी के बंदे वहां रखे, उसके बाद वो जो डॉलर को वहां पकड़ा, उसके बाद जो फिगर्स को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को करके सारी फिगर फजिंग की, IMF ने इस पे लिखा, पता नहीं किस किस इस पे लिखा कि जी इदारे जो हैं वो बिल्कुल, इसीलिए तो आपके इनकी 5% से ऊपर इन्होंने दिखाई ग्रोथ और
डिक्लेयर किया बैंकरप्ट। जब हम आए तो सिर्फ 2 महीने के आपको पता है रिजर्व्स बाकी थे, लेकिन फिर भी हमने उसको सारा जिसको कहे रिफॉर्म्स का सबसे पहले हमने कहा था इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, तो स्टेट बैंक को हम ऑटोनॉमस कर रहे हैं बजाय इसके कि अप्रिशिएट किया जाए कि जी ऑटोनॉमस है, हम पे क्रिटिसाइज भी कर रहा है, हम पे बहुत सी चीजें कर रहा है, उसको ये क्या जा रहा है कि जी उसको आपने बिल्कुल ही वो क्या के आजाद कर दी है। और यही बात है कि गलत को सही, सही को गलत करना। अब ये स्टेट बैंक जो है ये स्टेट बैंक के किस लिए इस्तेमाल होता था, ये प्रिंटिंग प्रेस था, आपने छाप छाप के नोट 6 ट्रिलियन रुपीज के नोट छापे इनके टाइम पे स्टेट बैंक ने। हमने आत्मकाश के बिल्कुल हमने 1 रुपया स्टेट बैंक को नहीं कहा कि आप छापे, और ये ही होना चाहिए। इसी वजह से इसको ऑटोनॉमी दी गई है, और मैं हैरान हूं इस फिलॉसफी पे कि आप इदारे आजाद कर रहे हैं जो कि जमहूरियत की पहली निशानी है। आप ये भी जानते हैं कि इदारों को ताबे किया गया था, क्या PIA क्या पाक स्टील मिल, आपको याद होगा कि क्या कहा था मिफ्ता इस्माइल ने जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जी PIA को खरीद तो पाक स्टील दे देंगे। तो ये हालत छोटे अली परवेज मलिक साहब, इनफैक्ट तंदलीप साहब को आपने सुना, अली परवेज मलिक साहब वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा एकदम था, हमने तो पिछले 3-3.5 वर्षों में $15 अरब के कर्जे वापस किए, साथ में 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, और साथ में जिस तरह फरमा रही थी कि आपने तो स्टेट बैंक को एक प्रिंटिंग मशीन बना दिया था, नोट छाप छाप के आपने इन्फ्लेशन को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। सर काम तो अच्छा कर रही थी PTI, लेकिन आपने जो बयानिया अपनाया कि आपने नहीं होने देंगे, सेनेट से बिल अप्रूव नहीं होगा, लेकिन तो अब तो सिर्फ नजला गिरा है। यूसुफ गिलानी साहब के वो नहीं थे, लेकिन खुद नून लीग के भी कुछ लोग थे जो बावजूद इस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शराजी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें आपका सवाल जो तरीका कार अडॉप्ट किया गया था उसके ऊपर था, और मैडम ने माशाल्लाह दुनिया की हर चीज का जवाब दिया, पर उस तरीके कार के ऊपर कोई बात नहीं की। हम यहाँ पे मेरिट्स ऑफ द बिल तो डिस्कस करने बैठे नहीं है कि किसी इदारे को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनकी ये नियत थी कि इन्होंने बिल और एक इन्होंने ये अच्छा काम करना था, तो इनको क्लॉज बाय क्लॉज वहां पे सेनेट की फाइनेंस कमेटी में ये बिल भेजना चाहिए था, वहां पे डिबेट करनी चाहिए थी क्लॉज बाय क्लॉज, और उसके ऊपर इत्तेफाक राय करके वोटिंग करके फिर हाउस में वोटिंग के लेके लिए लेके आते तो मैं इनकी बात मान लेता। तो काइंडली जो सवाल है उसके ऊपर रहे कि आपने किस तरीके कार के जरिए आपने ये बिल पास करवाया है। अब जो शिराजी साहब आपका बुनियादी सवाल था तरीके कार पे, मैं उसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब भी जमातों की तरजीह छोटे छोटे ओदे छोटे छोटे मफादात होंगी तो इसी तरह आपको ये तहरीकें कमजोर होती हुई तहरीकें फेल होती हुई नजर आएंगी। और मुझे अफसोस के साथ एक भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे आवाम के अंदर जहां पे ऑपोजिशन की मेजॉरिटी मौजूद है वहां पे एक दफा फिर हम शर्मिंदा हुए हैं। और इसके पीछे जो बुनियादी वजह है मेरी नजर में वो ये है कि जब आप लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब हुकूमती वोटों के जरिए बाप पार्टी के वोट लेके जब बने थे, और वो दिलावर अब्बास खान का ग्रुप जिनको इन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन बनाया ऑपोजिशन की कोटों के जरिए, उसके बाद मुझे आज तक बता दें उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट के अलावा कौन से हुकूमत के वोट के हुकूमत के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। तो जब आप इस तरह की बेईमानी के साथ ओदों के पीछे इस किस्म के आप फैसले करेंगे तो उसके नतीजे यही निकलेंगे। उसके अंदर मेरी पार्टी की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, मेरी पार्टी ने क्या उसके अंदर भरपूर शिरकत की, हमारे 2 वोट कम थे, एक साहब को कोविड के अंदर थे, दूसरी जो मैडम थी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी किसी पर्सनल एक इमरजेंसी की वजह से, और इस वजह से हमारे 2 वोट शॉर्ट थे। अदरवाइज हमने तो यही स्टांस लिया था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा जाए, वहां पे डिलिबरेट किया जाए, और अगर वहां पे मेजॉरिटी तय करती है कि ये पाकिस्तान के मफाद के अंदर है तो बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर लें। अब इसके बाद आप मेरे से खुद मुख्तारी के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी थॉट्स दे दूंगा, पर जहां तक प्रोसेस है उसके ऊपर मैं सिर्फ आखिरी बात यह कर दूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की आज नदामत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छे आदमी है,
क्या बेहतर होता कि जब ऑपोजिशन की तहरीक के अंदर ये मामला तय हुए थे कि ऑपोजिशन लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जाएगा, अगर हम उस अपने फैसले के ऊपर कायम रहते तो शायद आज हम सबके आगे सुरखरू होते, पर मैं आज तो शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं उसका जवाब दे सकता। सुन रहे हैं आप, अली परवेज मलिक साहब भी कह रहे हैं कि आज सबके लिए शर्मिंदगी है, बेहतर यह होता कि किसी तगड़े आदमी के पास एक रौदा होता तो शायद आज यदि देखने को ना मिलता। लेकिन सिर्फ अपोजिशन तनकीद नहीं कर रही सर, बल्कि पार्टी के अंदर से भी कुछ सलीम आंदी वाला साहब जैसे लोगों की भी आवाज़ें उठ रही हैं जो गिलानी साहब के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। कुरैशी साहब ने भी, शामुद कुरैशी साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा जी मुल्तान से भी अगर आना था तो 5 घंटे में आप इस्लामाबाद पहुँच सकते थे, अगर उनको सहूलत चाहिए थे तो वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे। सर ये क्या मुश्किल पेश आ गई, इतना बड़ा एक अहम मामला जिसके ऊपर पार्टी ने एक पोजीशन ली हुई थी और गिलानी साहब या तो सोते रह गए या फिर ऐवान की तरफ आना मुनासिब नहीं समझा सर। देखिए पहली बात तो ये कि अली परवेज मलिक साहब अपने दो मेंबरान की बड़ी खूबसूरती से दिफा करते हुए कि एक मुल्क से बाहर था एक कोविड था, तो पीटीआई के एक सेनेटर डॉक्टर जरका भी कोविड पीते हुए व्हीलचेयर कोविड के साथ आई, ऑक्सीजन लगा हुआ तो उन्हें बिल्कुल सही है। एक बात, दूसरी बात हम इसहाक डार की बात नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, वो आपका मुशाहिद हुसैन साहब उसको ठीक है यकीनन उसको क्या इस मामले पे क्या होना था। फिर अगर वो बात कर रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद नहीं था, तो अली परवेज मलिक साहब खुद कौमी असम्बली के मेंबर है, जब मिनी बजट पेश हो रहा था तो अपोजिशन लीडर वहां पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, उसका जवाब उन्हें नहीं दिया ना। फिर उसके बाद वो बाप पार्टी की बात कर रहा है, ये एक आजाद ग्रुप है, हमने वोट लिए या नहीं लिए, आपने तो डायरेक्ट पीटीआई को पंजाब में मुकमुका करके आपको 5 सीटें दी है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता था कि पीटीआई वहां से जीत नहीं सकती है, आपने इसको एनर्जी दी है, जहांगीर तरीन 32 MPA लेके बैठे हुए हैं, बुजदार हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं मगर शायद उनको सूट कर रहा है, इन सारी बातों को आपने एक तरफ, खुद मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम का सरबरा है उनका तलब महमूद साहब मौजूद था उनके ऊपर बात नहीं आ रही। सुन ले जुमला पूरा सुन ले एनपी का सेनेटर एन मौके पे गिनती के वक्त निकल रहा है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, नजला अगर गिराया जा रहा है तो एक शरीफ आदमी पे जो अपोजिशन लीडर ये भी था और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी था जो है, जबकि वो मिनी बजट के वक्त मौजूद नहीं थे, तो ये कहना गलतफहमी पैदा करना, बुरा भला करना। और फिर दूसरी बात मैं थोड़ी सी और बात करूंगी, अगर आप इतनी हमसे उम्मीद रख रहे हो, इतनी हम पर भरोसा नहीं है तो क्यों हमारे साथ बैठते हो? और फिर अगर इतनी बात करें, आप तो पीडीएम से हमें शोकाज मुलाजिम के जरिए आप दे चुके हो, आप तो हमें खैर बात कह चुके हो, तो फिर किस बात पे हमसे आप गिले भी करे हो, बजाय अपने लोगों से बात करना, बजाय पीटीआई के खिलाफ पीटीआई के साथ मुख मुकाकर पंजाब में आपने 5 सीटें खुद ली है, 5 PTI को दिलाई और कमीशन के तौर पे काफड़ी को एक सीट दी है, वो मुख मुका नहीं है, वो सासबाज नहीं है, वो धोखा नहीं है अपोजिशन के साथ, वो धोखा नहीं है पीटीआई पीडीएम के साथ। फिर छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा है शरीफ आदमी है, उसने इस्तीफा दिए, मैं आपके तो उससे अपने क्यादत से मुतालबा करूंगा कि ना आए किसी के ब्लैकमेलिंग में प्रेशर में, बिल्कुल इस्तीफा मंजूर ना करे, शरीफ आदमी है, इसको अपोजिशन लीडर होना चाहिए, हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये इन लोगों की जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, कल का किसी वक्त भी है, बिजली के 2 तार है, एक गर्म चल रहा है एक ठंडा, इसने मुफामत कर दिए, उसने मुजामत कर दिए और आखिर में जाके दोनों जो ना पाव पकड़ते, ये पॉलिसी हमें अच्छी तरह समझ में आती है क्या? अच्छा ठीक, एक छोटी सी ब्रेक नाजीन, ब्रेक नुकते उठाए अली परवेज मलिक साहब के सामने भी रखेंगे और अंदलीप साहबा से भी पूछेंगे, जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन के 14-15 लोग हैं जो अंदर से इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं, वो इमरान खान साहब जो हाथ स्टेडियम पे बिलीव नहीं करते बल्कि कंडेम करते हैं, वो किस तरह लोगों को साथ लेके चल रहे, छोटी सी ब्रेक के बाद सवाल उठाते हैं। शो में एक बात पर खुश आमदेद, अंदलीप साहब आप तरफ आऊँगा, ये जो शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखला साहब ने फरमाया है कि जी कोई 14-15 लोग हैं अपोजिशन में जो अंदर से ही इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं, और वो खान साहब को जिससे पहले सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमने देखा, वीडियोज़ चलते हुए देखा कि किस तरह पैसे चल रहे हैं, किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वो तो इसके खिलाफ हैं बड़े, तो पार्टी लाइन से हट के लोग उनके साथ दरपर्दा मिले हुए हैं, ऐसे लोगों को खान साहब कैसे वेलकम कर रहे हैं और ये लोग हैं कौन, वैसे कुछ
इतना तो होना चाहिए कि नाम भी पता होने चाहिए जो लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए असल मसला ये है कि ये ऐसी पार्टीज हैं जहां लीडरशिप की एक जिसको कहते हैं ना एक ढांचा है, एक स्केलेटन है, लीडर्स तो नहीं है ना। नून लीग का देखे लीडर आ गया हुआ है और वो कहता है कि उसकी बेटी भी कहती है कि वो मतलब उसकी जान के लाले को पड़े हुए हैं और वो मतलब अपनी जान बचा के वहाँ बैठा हुआ है, उसको अपनी सेहत के बारे में बड़ी फिक्र है और वो नहीं आएगा क्योंकि वो नहीं फेस कर सकता ये हालात। और उसका उनके रिकॉर्ड है कि हमेशा भाग जाते होते हैं डील करके या डील के बगैर या कभी मेडिकल ग्राउंड्स पे। और जहां तक इनका ताल्लुक है रजा गिलानी साहब, लेकिन दिलीप साहब जिनको आप भगोड़ा कह रही हैं जिम्मी इलेक्शन के अंदर, बल्दियात इलेक्शन के अंदर लोग तो वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं, पता नहीं किस तरह के भगोड़े हैं कि लोग वोट उन्हीं को देते हैं। देखिए ऑब्वियसली एक पार्टी जो 30-40 साल से है उसका एक स्पेसिफिक वोट बैंक तो होता है, लेकिन आप देखें ना कि हाल क्या है कि पिछले साल से कह रहे थे कि हम पिछले साल भी आपको पता है लॉन्ग मार्च करना था इन्होंने, फिर इन्होंने सेनेट के इलेक्शंस बॉयकॉट करने थे, फिर इन्होंने मुजाहरे करने थे, फिर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब बेसिकली बात वही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब भी नहीं आए। और ये मैं आपको क्योंकि मैं नेशनल असेंबली में होती हूँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब ये बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली में ना जरदारी साहब अपने थे वहाँ, ना बिलावल साहब थे, ना खाकान वासी थे, ना शहबाज शरीफ थे। वैसे ये बहुत बड़के मारते हैं, जो मुल्क में थे और असेंबली में है वो भी नहीं थे। तो और फिर जब सेनेट में वोटिंग हुई तो आपने देख लिया जब इनके अपने लेकिन जिन्होंने पार्टी लाइन से हट के पीपीटीआई को सपोर्ट किया, आपके ख्याल में उन्होंने ठीक किया है? देखिए हर एक का वोट, बहुत सारे शायद हमारे भी ऐसे बंदे हों जो कि हमारी पार्टी लाइन पे नहीं है, यहाँ वो अपना वोट दे सकते हैं। इवेंचुअली तो सबने अपना अपना वोट देना होता है, लेकिन वही बात क्या है, बात यह कि इनके लोग अगर इनके साथ नहीं दे रहे तो इनके लीडर इनके साथ नहीं दे रहे। वो कहते हैं ना लीड बाय एग्जांपल होता है, जब आपके अपने लीडर अपने मफादात के अपनी जान को बचाने के लिए बाहर भाग जाएं तो फॉलोअर्स ने मुझे बताएं कहाँ रहना है, वो तो ऑब्वियसली इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्योंकि जब वो सामने देखते हैं तो उनको एक वैक्यूम नजर आता है, उनको नजर आता है कि जब इनका मतलब होता है ये अपना कहते हैं कि जमहूरियत है, जब मतलब नहीं होता तो फिर बेटा भी बेटी भी सारे जो है वो एक बादशाहत और अमरियत के उस चक्कर में वो सारे छाए होते हैं, वर्कर्स को छोड़ जाते हैं ये बेचारे फेस करने। तो कभी भी ऐसी पार्टियों के अंदर पहले तो ये मुकमुका होता था, बारी बारी थी, रिवॉल्विंग डोर था, पहले तुसी आओ फिर असी आने। अब जबकि इनकी हकीकी एक ऑपोजिशन आई है, अब ये इकट्ठे हो गए हैं, ये तो इस वक्त मैं ये जो प्रोग्राम कर रही हूँ बड़ा एक्सेप्शनल प्रोग्राम है, वरना तो मैं अकेली होती हूँ और ये दोनों एक दूसरे को वाह 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 हम नवाब बन के एक दूसरे मुकरर मुकरर कर रहे होते हैं। अली परवेज मलिक साहब इनफैक्ट वो कहते हैं कि जी पार्टी क्यादत के अंदर उनका कंडक्ट इतना बुरा है कि लोग पार्टी लाइन से हट के फिर उनको ये फैसले करने पड़ते हैं। सर मंदूखयाल साहब ये कह रहे हैं कि आप खुद ही सीरियस नहीं है, जब मनी बिल पेश होते आप ऐवान में होते नहीं हैं, गिले हमारे कर रहे हैं कि आप नहीं थे वहाँ पे। अच्छा शिराजी साहब अब जरा तहमल से ना ये तीन चार मैं बातें करना चाह रहा हूँ वो जरा सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये कि मेरे भाई मंदोखेल साहब शायद लेट आए हैं, अगर उन्होंने पूरी गुफ्तगू सुनी होती तो उनको पता चलता कि मैंने तो अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया था और मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया था। इन्होंने अपने अमाल का खुद इलेक्शन वाले दिन जवाब देना होगा, मेरा इनसे ना कोई गिला है ना कोई बनता है, ये इसी तरह काम जारी रखें। अच्छा अब जो इन्होंने बात की कि जी मनी बजट जिस दिन ले हुआ उस दिन मौजूद नहीं थे, तो इनसे पूछे बिलावल साहब मौजूद थे और उससे क्या फर्क पड़ता है कि जिस दिन मनी बिल ले हुआ था कौन मौजूद था कि नहीं मौजूद था। इनसे पूछे जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे कि नहीं थे, बिल्कुल वो भी मौजूद थे और बिलावल साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर उस एहतजाज के अंदर अपना जो इस मनी बिल के खिलाफ वोट जो उन्होंने डालना था उसका इजहार किया। और मैडम कहती हैं उसी दिन स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी बिल भी वहां पे प्रेजेंट हुआ, कहती हैं शहबाज साहब वहां पे मौजूद नहीं थे। अगर इनको बातों को अगर ये झुटलाएंगी और जो चीजें कैमरे की स्क्रीन ने कैप्चर की हुई है उनको भी ये मानेंगी नहीं तो मैं इसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता ना। जो वजह जिस वजह से ऑपोजिशन सारी की सारी एहतजाज करके स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल से बिल के टाइम पे बाहर चली गई थी वो ये थी कि इन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर वोटिंग नहीं कराई थी, ये बुलडोज करना चाह रहे थे। तो ऑपोजिशन ने वहां पर एहतजाज
किया, सारे लीडरान मौजूद थे बशमूल मेरे, और उसके बाद वॉकआउट करके सारी पार्टीज बाहर चली गई। ये वो पूरा फैक्ट है जिसको बड़ा कन्वीनियंटली इन्होंने बताया नहीं। उसके बाद जो मंदोखेल साहब ने कहा कि जी पंजाब के अंदर मुकमका कर लिया, तो शिराजी साहब मैं इस किस्म की बचकाना गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेता। अगर मुझे बता दें, दो बातें मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे बता दें, अली प्रवेश साहब एक छोटा सा टाइम चेक ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ गुफ्तगू को आप इसके एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अली प्रवेश साहब, आप अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिए, पंजाब के हवाले से बात करते हुए मैं जाता हूँ कादर मंदोखेल साहब की तरफ। जी शिराजी साहब, मेरे भाई ने यहाँ पे कहा कि जी इन्होंने 5 सेनेटर इलेक्ट करवा लिए पंजाब से मुकमुका करके, तो मैं उसके ऊपर दो सवाल करना चाह रहा था। एक तो मुझे बता दें, क्या हमारा कोटा 5 सेनेटर्स का ही था कि नहीं था? और अगर कोई मुकमुका हुआ तो वो जो राजा परवेज अशरफ साहब के रिश्तेदार अजीम मिनहास साहब, जिन्होंने अपने कागज वापस विड्रॉ किए थे, तो उन्होंने किस मुकमुका के जरिए उन्होंने भी अपने कागजात वापस किए थे? तो कम अज कम इल्जाम लगाने से पहले इंसान को थोड़ा सा अपने गिरेबान के तो अंदर झांक लेता है ना। पर यहाँ पे ये नई रिवायत है कि जो मर्जी इल्जाम लगवा दो, जो मुंह में आए बोल दो, और उसके बाद सोचना कुछ नहीं उसके ऊपर। अब आ जाए, आपने कहा जो शेख रशीद साहब ने बताया है कि जी 10-12 सेनेटर्स जो हैं वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, और किस तरह पता चलेगा वो कौन लोग हैं? बड़ा एहसान हल है शराई साहब, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करें, जो उसकी रास्ते के अंदर रुकावट बनते हैं या जो उसको कामयाब होने में रुकावट बनते हैं, ये वही सेनेटर होंगे जो शेख रशीद साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया। आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लाहौर से क्या आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे, क्या मामला थे। इनको इस तरीके के साथ टीवी पर बहस करने का फायदा ही कोई नहीं। टेस्ट करें आप, वो तो कह रहे ना अली प्रवेश साहब, वो तो कह रहे हैं शो ऑफ हैंड करवाएं, आप खुफिया राशुमारी की बात कर रहे हैं, शो ऑफ हैंड करवाएं ताकि लोग साबित एक्सपोज हो। बात तो करने थे, मैंने तो आपसे कह रहा हूं ना जी कि जहां पे आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें, जो उसके बीच में रुकावट बनता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा शेख रशीद साहब किसकी तरफ इशारा करें। अब जो मैडम ने यहां पे बात की मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर, तो मुझे बताएं इनको ये जेब देती है इस किस्म की गुफ्तगू करना? जो अपने यहां पे अपने वजीरों को, आज भी यास्मीन राशिद साहिबा अपनी कुर्सी के ऊपर वहीं पे मौजूद है, वहां पे फैसल सुल्तान साहब जिनको इन्होंने जाती हैसियत के अंदर जाके भेजा था कि जाके मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को चेक करें, आज भी वो वफाकी वजीर बैठे हैं, मैडम काबीना से बाहर बैठी हैं और बैठ के इल्जामात उनके खिलाफ लगा रही हैं, पता नहीं किनके अपने वजीरों के खिलाफ लगवा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर लगा रही हैं। वो एक अलग बहस है, वो अलग बहस है, परवेज साहब वो कहते हैं अलग बहस है, वो अलग बहस है, वो कहते हैं बिल्कुल अलग बहस है, हमने इलाज के लिए भेजा था, वो कहते हैं इलाज उन्होंने एक टेबलेट तक वहां पे नहीं खाई, वो तो कहते हैं आराम से बैठे हैं, पहले तो चेक कर रहे हैं, पहले तो तय कर लें कि बीमार थे कि नहीं थे, ये तो मानने को नहीं तैयार कि वो बीमार थे। तो अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो पहले जाके अपने वजीरों के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना, उसके बाद आके इस किस्म की गुफ्तगू करें, हवा में खामखा बातें ना करते रहे। तो गुजारिश ये है, इनको सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन्होंने कितनी मुश्किल कर दी है लोगों के लिए जिंदगी, के पिछले दर्जन से ज्यादा ये जिमनी इलेक्शन हार चुके हैं, इसीलिए कमरों के अंदर बैठ के ये गुफ्तगू करते रहेंगे, सड़कों पर मौजूद नजर नहीं आएगा। महंगाई कमानते कादर मंदोखेल साहब बड़ी देर से बैठे, उनको श्री की गुफ्तगू करते हैं। कादर मंदोखेल साहब, इनफैक्ट बिलावल साहब का रवैया बड़ा जारहाना हो गया, अगरचे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि सेनेट में आप हुकूमत को कांधा पेश कर रहे हैं, बट कराची में खड़े वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमलावर होंगे और इस कठपुतली हुकूमत को निकाल बाहर करेंगे। सर ये वो बिलावल साहब हैं, वो जरदारी साहब हैं कि जब 2014 में PTI ने धरना दिया था 126 दिन का, तो कहा जाता था कि कोई भी गिरोह उठेगा और पार्लिमान पे हमलावर होगा और हुकूमत खबक को ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होने देंगे। अब उसी तरह की ज़बान में खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये रवैये के अंदर इतना जारहानापन क्यों आ गया है? कोई डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या है सर? मैं इस सवाल की तरफ बाद में आ रहा हूँ, पहले मेरे छोटे भाई अली मलिक परवेज साहब जो सेनेट के हवाले सवाल उठाए, मैं इसका जवाब दूँ। इस पर कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर है, उसके लोग भी है मैं मानता हूँ, मगर अली परवेज मलिक सब दिल पे याद रख के बता दें कि बुजदार हुकूमत के इतने एमपीए उसके साथ है जो 5 सेनेटर मुंतखब करे? अगर है तो फिर ये क्यों कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई, ये क्यों कहती है जाली हुकूमत, ये क्यों कहते हैं इनके लोग उसके साथ नहीं है, और जहांगीर तरीके ग्रुप को मैं कहां ले चलूं? और फिर जिस दूसरा सवाल उसने किया कि हमारा कैंडिडेट क्यों विड्रॉ हो गया, हमारा कैंडिडेट तो इस वजह से विड्रॉ हो गया कि हमारे पास तो वो तादाद नहीं है, हमने जमा किया था जो कि जमहूरिया का
किसी का कोई मुंतखिब नहीं भी होता है, उसका भी हक है, दो सेनेटर भी हो तो फॉर्म जमा कर सकता है। तो जारी बात है, आप दोनों ने जो मुक मुका कर लिया है तो उसके बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं, बीच में कुछ रहा ही नहीं, न किसी के साथ एहतियात करने का, ना आपके साथ ना काफली के साथ। आपने काफली को कमीशन के तौर पर एक सीट दे दी है, पांच तो खुद चलो आपके पक्के हो गए। खैर साहब, केपी गवर्नमेंट में तो लोग ना होते भी आपने सेंटर मुंतखब करवा लिया था खातून। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं तो फिर ये कहूंगा कि पीटीआई को, एमपीए को, पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए इन्हीं ने रास्ता रोका, पीटीआई पीपल्स पार्टी का। फिर मैं सवाल ये बताया, मैं आपकी बात का अगर जवाब दूं तो यही बनता है ना, अगर पीटीआई मुझे वोट दे रहे थे, नहीं पीपल्स पार्टी को, खुद तुम सेनेटर बनो, इनको नहीं दो। दूसरी बात जो आपका सवाल है, बिलावर साहब का जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है ना, इस वजह से आप मुझे बताओ, खुदा का खौफ का लिए लोग ये कहते हैं पीटीआई की लीडरान कि हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है आईएमएफ स्टेट बैंक को आजाद कराना। आपका मैनिफेस्टो यह है कि स्टेट बैंक को आपको जवाब दिए नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिए नहीं है, आईएमएफ को जवाब दिए है, और आईएमएफ के अंदर कौन बैठे हुए, अमेरिकन एजेंट और हिंदुस्तानी एजेंट बैठे हुए हैं, और आपका स्टेट बैंक में एक अकाउंट होगा डिफेंस का, जो बरारास्त इंडियन और अमेरिकन एजेंट उसको देख सकेंगे। आप फौज पाकिस्तान को कहां लेके खड़ा कर रहे हैं, आप डिफेंस बजट को कहां लेके खड़ा कर रहे हैं, और फिर आपको वजीर किधर गया, $100 की मुंह पे मारूंगी, $100 की मुंह पे मारूंगी, आपने तो पूरा का पूरा स्टेट बैंक की, आईएमएफ की मुंह पे मार दिया है। फिर दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं बिलावर साहब, यकीनन ये बात है कि जो मेरे आसपास इस वक्त भी मैं हल्के में मौजूद हूं, लोगों में एक गुस्सा है, जोश है, और अभी देख रहे हैं ये इनको बाना चाहिए, ये कल फिर पेट्रोल ज्यादा करेंगे, फिर पेट्रोल बढ़ाएंगे, यानी 150 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए। ये वही इमरान याजी साहब है जो कंटेनर पे खड़े होकर थे, आज सारी बातें उसकी मुंह पे लग रही है। आज उन्हें कहा मैं आईएमएफ से कर लूं तो मैं खुदकशी करूंगा, ओ भाई खुदकशी मत करना, खुदा का वास्ता खुदकशी मत करना, खुदकशी हराम है, पाकिस्तानी आवाम को खुदकशी पे मजबूर ना करना, हम तो आपसे ये फरियाद करने आए। और बिलावर साहब यकीनन इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि आवाम का प्रेशर है, आवाम का दबाव है, एमपीए एमएनए का दबाव है, हम उनके सामने कर रहे हैं कि भाई आप बताओ पाकिस्तान के क्या कर दिए, खामोश क्यों बैठे हुए, अदम एतमाद के तहरीक पे हमारे इत्यादि, हमारे जो अपोजिशन के लोग है वो तैयार नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास एहतजाज, लेकिन एहतजाज हमारा पुरामन होगा, एहतजाज हमारा जो है वो पीटीयू पे हमले करने का नहीं है, पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे शलवार कमीज लटकाने का नहीं है, और उंडी के जरिए पैसों को बगावत पे उकसाने का नहीं है, हम अमन एहतजाज होगा जमहूरी तरीके से, जो कि आईनी पाकिस्तान ने हमें हक दिया है। सही सही, एक छोटी सी ब्रेक नाजी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। शो में एक बार खुश आमदेद दिलीप साहबा, इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब, शाबुल कुरैशी साहब, गिलानी साहब का तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इस बुनियाद पे कि उन्होंने पार्टी लाइन से हट के शायद हुकूमत को सपोर्ट किए और बिल ये मंजूर हुआ। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों में नूर आलम साहब, पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली ने, यकीनन लगता तो ये था कि पार्टी में बेहतरी के लिए एक बात की थी, लेकिन आपने तो उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी से बाहर निकाल फेंका। इससे पहले नदीम अफजल चंद साहब के साथ भी यही कुछ हुआ, तो पार्टी के अंदर जो डिसेंडिंग वॉइसेस हैं उनको तो वेलकम नहीं किया जाता, लेकिन अपोजिशन में हो तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूं इनको, मेरी बारी लेट आई है। नेशनल असेंबली में आप सब कुछ रिकॉर्डेड होगा, आप देखना जब बिल प्रेजेंट हुआ और जब उस पर तनकीद हुई, अपोजिशन हुई, तो ये सारे मिसिंग थे, ना शहबाज शरीफ थे, ना हकान अब्बासी थे, हॉल में नहीं थे, बाकी सब मौजूद थे, इनकी तरफ से ये सब लोग थे, और जरदारी साहब और बिलावल थे उस वक्त, और ये सारे टीवी ने दिखाया और इस पे बहस भी हुई, तो इसलिए इस पे तो आप मतलब जितना मर्जी कोशिश करें इस पे आप पर्दा नहीं डाल सकते, नंबर वन। नंबर टू, जो आप बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस वक्त जो हालात है इनके, कि मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे चढ़ के ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई लॉन्ग शॉर्ट कोई भी मार्च हो जाए, क्योंकि ये बकौल ख्वाजा आसिफ के एक प्रोग्राम में, और आपने भी दिखाया होगा, ये उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जेल जा रहा था, 100 बंदे नहीं इकट्ठे हुए हमसे, और जिस तरह बिलावल निकल रहे हैं, आपको भी पता है कि 74 साल में एक बस नहीं दे सके ये सिंध को, एक नाला नहीं साफ कर सके सिंध को, पानी नहीं दे सके ये सिंध को, तो ये मार्च करने जा रहे हैं किस चीज के खिलाफ, सबसे महंगी तो आटा सिंध में मिलता है, खुद कह चुके हैं कि 7 अरब के ये गंदम चूहे खा गए, वो चूहे कौन थे, उनके क्या नाम थे, ये तो अब
जिसको कहते हैं अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये खुद मान चुके हैं। दिलीप साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं लग रहा। कल भी परवेज मलिक साहब, आज हमारा सवाल एक ये भी था कि अगर हुकूमत को कहा जाता है कि हाइब्रिड है तो लगता है कि पोजीशन भी सर हाइब्रिड ही है। दावे ऐलानात बड़े निकलता विकलता कुछ नहीं है सर, हुकूमत अपनी मुद्दत लगता है पूरी करके जाएगी। देखें शिराजी साहब, मैं मैडम से गुजारिश करूंगा, हमारी मकबूलियत की फिक्र ना करें, वो ज़िमनी इलेक्शनों के रिजल्ट देख लें, वो जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट देख लें, और बाकी जो छावनियों के अंदर इलेक्शन हुए उससे इनकी तसल्ली हो जानी चाहिए। जहाँ तक ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे कि नहीं थे, जिस दिन मिनी बजट और स्टेट बैंक अटोनमी बिल प्रेजेंट हुआ था उस वक्त जो गिनती हुई थी उसकी गिनती का रिकॉर्ड निकाल लें और देख लें कि कौन से लीडर वहां पे मौजूद थे और कौन से नहीं थे। और इसके बाद आपके सवाल पे आने से पहले मैं नहायत ही एहतराम से अपने भाई को कह दूं कि गुजारिश ये है कि अगर अजीम मिन्हास साहब पंजाब के अंदर अपने कागज विड्रॉ ना करते ना तो वहां पे इलेक्शन होता पंजाब असेंबली में, और इनको जिन जिनके ऊपर ये तकिया करके बैठे हैं ना उनका ये वोट लेके तो यकीनन अपना सेनेटर इलेक्ट करवा सकते थे। तो अगर इन्होंने कागज विड्रॉ किए और इनके मुताबिक पंजाब में अगर कोई मुकमुका हुआ था तो ये उसमें हिस्सेदार हैं। अब आ जाए जो गुजारिश हाइब्रिड ऑपोजिशन की, हाइब्रिड ऑपोजिशन की बात का मैं जवाब आपको पहले सेगमेंट में दे चुका हूं कि जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं उनको इलेक्शन का जब ये माहौल बनेगा, इलेक्शन के लिए मैदान लगेगा, उनको अवाम के गुस्से के जरिए, अवाम के रिजेक्शन के जरिए उनको उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए तहरीक को मंत्री अंजाम पे लेके जाना चाहिए। बिलावल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्विकली कमेंट सर मंदोखैल साहब। देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम हम अपने हिस्से के किरदार तो अदा करेंगे। मैं मोहतरमा से ये पूछना चाहूँ, ये चूहे चूहे सिंह की बात करें भाई, एक चूहा जहांगीर तरीन जो सारा मुल्क आ गया, दूसरा हामिर क्यानी जो सारे दवाइयों के पैसे का आ गया, तीसरा चूहा आपका खुसरो बख्तियार है, और न जाने कितनी चूहे जो ना वो बनीगाला के अर्थ पिर रहे जिसको पाल रहे पूरे बनीगाला। सवाल ये, आपने जो 3.5 साल में जो आपने कंटेनर पे बैठ के आप लोगों ने जो गुमराह किया आवाम को, आपने क्या किए, आपने कराची को क्या किया? सबसे बड़ा सवाल है मधुख्याल साहब। ये सब तमाम मेहमान के साथ आज का शो खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।